क्या क्या जीना नहीं होता है ये हमने देखा। जीना किसके साथ होता है? जीना बोले तो विश्वास के साथ जीना होता है। कैसा विश्वास? अपने स्वस्थ रहने के प्रति विश्वास, अपनी भौतिक आवश्यकताओं के प्रति विश्वास, अपने संबंध के प्रति विश्वास। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें भय मुक्ति के साथ में जिया जा सकता है, उसके प्रति विश्वास। तो अंत में स्वयं से लेके, परिवार से लेके, समाज से लेके, विश्व तक, जब भी हम भय मुक्त होते हैं, अभाव से मुक्त होते हैं, शिकायत से मुक्त होते हैं, ये विश्वास का विश्वास इस चीज का नाम है। इसका मतलब जो बात कही गई वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास। यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो ये विश्वास संबंध में विश्वास के रूप में व्यक्त होगा, संबंध के प्रति विश्वास। ये संबंध में विश्वास होगा तो परिवार में, परिवार में समृद्धि का भाव होगा। समृद्धि का मतलब है अभाव का। थोड़ा सा समृद्धि को समझ लेते हैं दोस्तों। हमारे पास दो तीन शब्द हैं, गरीबी, अमीरी और समृद्धि। गरीबी की परिभाषा क्या होगी? गरीबी की परिभाषा को लिख सकते हैं साधन विहीन, साधन विहीन, दुखी और दरिद्र। कमी भी है, कमी भी है, कमी का एहसास भी है। सर्वाइवल के लिए साधनों की कमी भी है, कमी का एहसास भी है। अमीर किसको लिखें? साधन संपन्न और सुखी लिख दूं? सुखी लिख दूं? सुखी लिख दूं? नहीं, दुखी और दरिद्र। दोस्तों, गरीब की गरीबी कितने की? कुछ लाखों की, कुछ हजारों की। अमीर की गरीबी कितने की? अमीर की गरीबी कितने की? दोस्तों, इसका मतलब ये निकला कि कितना पैसा होने से एक व्यक्ति असुरक्षा के भाव से मुक्त हो जाएगा, इसका कोई रिलेशन है? नहीं है। इसका कोई रिलेशन है? नहीं है। ये भी समझ में आया, कितना पैसा होने से बच्चे माँ बाप का सम्मान करेंगे, कोई रिलेशन है? नहीं है। कितना पैसा? गर्मी में एसी लगा लिया तो कम से कम रूम टेम्परेचर अपने अनुकूल हो गया। पति पत्नी के बीच कौन सा एसी लगाएं कि टेम्परेचर 102 से नीचे आता ही नहीं है। तो इससे एक बात निकल के आई कि अमीर की संपन्नता में हजारों लोगों की गरीबी समाहित है। तो गरीबी ज्यादा खतरनाक है कि अमीरी ज्यादा खतरनाक है? अमीरी ज्यादा खतरनाक है। और हम सब क्या होना चाहते हैं? खतरनाक लोग। अभी आप ही कह रहे हैं अमीरी खतरनाक है, और हम सब अमीर होने के लिए प्रयासरत हैं। इसका अर्थ ये निकला, हर गरीब अमीर होना चाहता है, क्योंकि हमारे पास दो ही मॉडल हैं। जब हम कहते हैं कि अमीर साधन संपन्न है, तो ये स्वयं को साधन संपन्न मानता है कि इसका पड़ोसी इसको साधन संपन्न बोलता है? पड़ोसी बोलता है, वो नहीं मानता है। हाँ, वो मानता होता तो बेचारा फिर ये हाल थोड़ी होता। तो ये भी समझ में आया कि ये साधन संपन्न नहीं है, इसका पड़ोसी इसको साधन संपन्न मानता है, क्योंकि बेचारा इसकी अमीरी से प्रभावित हुआ रहता है। क्योंकि वो गरीब इसकी अमीरी से प्रभावित हुआ रहता है, इसलिए अपनी तुलना में इसको साधन संपन्न मानता है। ये अपनी तुलना में किसी दूसरे को साधन संपन्न मानता है, वो अपनी तुलना में किसी चौथे को साधन संपन्न मानता है। सभी मानसिक गरीबी के शिकार होते हैं। दोस्तों, तीसरा मॉडल आया है साधन संपन्न, सुखी और समृद्ध। साधन संपन्न, सुखी और समृद्ध, इसको दूसरी भाषा में कहा अभाव का अभाव, अभाव का अभाव।
कितने लोगों तक ये भाषा पहुंची, अभाव का अभाव, है ना। अभाव के अभाव का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव। दोस्तों, हम अमीर होना चाहते हैं कि समृद्ध होना चाहते हैं? समृद्ध होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, है ना। हम तो समृद्ध होना चाहते हैं, अंततः साधन को इसीलिए चाहते हैं, ना तो साधन की कमी हो, ना दूसरे को देख के कमी का एहसास हो, है ना। साधन भी हो और साधन के होने का एहसास भी हो, इसका नाम समृद्धि है। तो फिर पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी फिर तंग नहीं करेगी, फिर दूसरे को देख के अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेंगे और तिल तिल करके मरने का काम नहीं होगा। दोस्तों, इसको बोला परिवार में समृद्धि हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए। तो यदि पूरे जीने को समराइज करें, पूरे जीने को समराइज करें, जिसको जीना बोल रहे हैं उसको समराइज करें, तो जीने को कहा नंबर 1, शिकायत मुक्त संबंध। शिकायत मुक्त संबंध, और दूसरा अभाव मुक्त परिवार। यदि ये हो गया तो स्वस्थ शरीर बोनस में, यदि ये हो गया तो स्वस्थ शरीर बोनस में, क्योंकि हम सब एकेडमिक धरातल से आए हुए लोग हैं और आप सबने पढ़ा ही होगा कि मानव की 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, उसके मानसिक उद्वेग से, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता में जो हमारा हार्मोनल सिक्रीशन इम्बैलेंस होता है, जो रसों का स्राव इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से शरीर में तमाम तरह के रोगों का पैदा होना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल बात इतनी निकल के आई, जीने का मतलब है शिकायत मुक्त संबंध और अभाव से मुक्त परिवार। इससे कम में जीना नहीं है। मित्रों, अब मैं यदि आपकी तरफ लौटूं, अब मैं यदि आपकी तरफ लौटूं और एक सवाल आपसे पूछूं, हम अपने और आसपास के परिवारों को देख सकते हैं, कितने परिवारों को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे परिवार में किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, हमारे परिवार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, और किसी व्यक्ति में दूसरों की वस्तुओं को देखकर अभाव की मानसिकता नहीं आती है? कितने परिवार ऐसे होंगे? यदि पिछले 40 साल को देखें तो सुविधा बढ़ने के साथ साथ शिकायतें बढ़ी हैं, या सुविधा में तृप्ति पूर्वक जीना बढ़ा है? इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा से हमको स्किल वाले भाग में कोई योग्य बात मिली, लेकिन स्वयं के प्रति विश्वास, बेसिकली ये स्वयं के प्रति विश्वास का एक्सप्रेशन है जो संबंध में आता है, स्वयं के प्रति विश्वास का एक्सप्रेशन है जो बाहर आता है। और यदि ऐसा परिवार होगा तो वो दूसरे परिवारों के लिए पोषक होगा कि शोषक होगा? यदि शिकायत मुक्त संबंध में जीता हुआ परिवार होगा, यदि अभाव से मुक्त जीता हुआ परिवार होगा, तो ऐसा परिवार दूसरे परिवारों के लिए पोषक होगा कि शोषक होगा? पोषक होगा। यदि ऐसा परिवार पोषक होगा तो ये भय मुक्त समाज के लिए आधार बनेगा, ये भय मुक्त समाज के लिए आधार बनेगा। तो दोस्तों, फिर मैं मेरी 3 साल की बच्ची के लिए असुरक्षित महसूस नहीं करूंगा, फिर मैं मेरी 3 साल की बच्ची के लिए असुरक्षित महसूस नहीं करूंगा। इससे कम में मेरे एक परिवार के लिए सुख शांति पूर्वक जीने का रास्ता प्रशस्त नहीं होता है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो आवश्यकता इस बात की है किस तरह से हम शिक्षा को, जिंदा रहना और जीना दोनों धरातल को पूरा पूरा दे सकें, ये हमारी शिक्षा की सफलता होगी, ये हमारी शिक्षा देने का आधार होगा। सहमत?